सो गाइज, आज के इस वीडियो में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इस पर कई दिन से कमेंट आ रहे थे, लोगों के मैसेज भी आ रहे थे कि इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। बात कर रहे हैं हम प्रोजेक्ट फाइल की। तो बॉटनी सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल आपको कैसे बनाना है, मोस्टली ये फिफ्थ सेमेस्टर, BSc 5th semester और BSc 6th semester में जो भी छात्र छात्राएँ पहुँचे हैं उनके लिए है, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में सिर्फ ऐसा रूल और रेगुलेशन है जिसमें प्रोजेक्ट फाइल फाइनल ईयर के सेमेस्टरों में बनानी पड़ती है और जिसका समय अब ख़त्म होने को है। लगभग एक हफ्ते के आसपास, मुझे जहाँ तक लगता है एक हफ्ते के आसपास और इसका सबमिट करने का टाइम रह गया है, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है। इस पर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट फाइल आपको कैसे बनाना है और कितने पेज की वो प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए, इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस, आपको मैं इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट फाइल है वो दो तरीके से आप बना सकते हैं। आपके मार्केट में आसपास इस तरीके की प्रोजेक्ट फाइल आपके मिलेगी। A4 साइज पेज पर लिख करके आपको इसी फाइल में लगा देना है, ठीक है, समझ रहे हैं, उसको इसमें सेट कर देना है। और कितने वर्ड में लगभग प्रोजेक्ट फाइल में आपको लिखना है और कौन कौन से टॉपिक पर लिखना होगा, बॉटनी का मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ओके, बॉटनी का एक लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कौन से टॉपिक पे आपको बनाना चाहिए और कैसे बनाना है, वो पूरा मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें करना क्या है कि लगभग 1500 शब्द से, यानी 1500, समझ रहे हैं ना, 1500 यानी 1500 वर्ड से लेकर के लगभग 2000 वर्ड तक की ये प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए। और कौन से टॉपिक पर होगी, लगभग जो रिसर्च के टॉपिक हैं उस पर प्रोजेक्ट फाइल बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको टॉपिक बता दे रहा हूँ। बहरहाल, जिस प्रोजेक्ट फाइल की बात कर रहा था वो ऐसे ही होनी चाहिए। अगर आप ऐसे नहीं भी लेते हैं तो एक और तरीका है प्रोजेक्ट फाइल आपको, एक और मैं बता दे रहा हूँ कैसे होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, डायरी की तरह या आप कह सकते हैं रजिस्टर की तरह ये फाइल आपको मिलेगी मार्केट में, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए उसके सारे के सारे पेज बिल्कुल सादे होने चाहिए, लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी वो बेटर रहेगी और अच्छा लगेगा। ऐसी ही होनी चाहिए प्रोजेक्ट फाइल। और इसका जो पेज है ये देखिए पूरा कंप्लीट कैसा है, सादा पेज है और काफ़ी हार्ड है, पेज इसका काफ़ी हार्ड है। जब आप किसी दुकान में जाएंगे तो आपको प्रोजेक्ट फाइल के नाम से ही इस फाइल को मांगना है और यही फाइल आपको दिया जाएगा वहाँ पर। तो इसमें बस यही जानकारी देना था। चलिए, अब आपको स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और कौन से टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है उस पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। सो गाइस, आपके सामने लिस्ट ओपन हो चुकी है। जो टॉपिक है बॉटनी सब्जेक्ट का, कौन कौन सा टॉपिक है यहाँ पर दिया गया है और कौन से टॉपिक पर आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करने से ये सबसे बेस्ट रहेगा, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहला यहाँ पर जो टॉपिक दिया है, रूरल एरियाज फ्लोरा ऑफ ए सिटी, किसी एक सिटी का जो रूरल एरियाज के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर पाए जाने वाले जो फ्लोरा हैं, प्लांट्स, उस पर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है। प्रोजेक्ट फाइल आपने देख लिया कैसे बनाना है, वो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया होगा। या फिर किसी विलेज की बात कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ विलेज, किसी एक गांव की क्या करना है, बायोडाइवर्सिटी आपको क्रिएट करके पूरा बायोडाटा तैयार करना है उस प्रोजेक्ट फाइल में। या फिर कह रहे सोयल, किसी विलेज का या किसी एरिया का, पर्टिकुलर एरिया का सोयल कितने प्रकार की होती है, कैसी सोयल है, उसका पीएच क्या है, पूरा डिटेल्स आपको उस प्रोजेक्ट फाइल में सबमिट करना होगा, लिखना होगा। सीड टेस्टिंग सर्विसेज, या सीड टेस्टिंग सर्विसेज क्या होता है उस पर आपको तैयार कर लेना है। वैसे सबसे बेस्ट जो टॉपिक है वो दूसरा नंबर सबसे अच्छा है, आपको प्रोजेक्ट अपना इसी पर तैयार करना चाहिए। दिया है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट मीन्स इंडस्ट्रियों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार कर लेना चाहिए। तो सबसे अच्छा वैसे यही रहेगा, बेटर होगा कि आपको इसी पर प्रोजेक्ट अपना तैयार कर लें। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर तीसरा नंबर दिया है वाटर पोल्यूशन स्टेटस ऑफ रूरल वाटर एंड प्रमोशन ऑफ वास इन विलेज। वाटर पोल्यूशन का एक आपको रूरल एरिया में पाए जाने वाले जो वाटर पोल्यूशन हैं, कहाँ कितना मात्रा में पोल्यूटेड है वो,
पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं उस पर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार कर लेना चाहिए, ये भी अच्छा है टॉपिक। फिर अगला है चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर जो दिया है, प्लांट डिजीज आइडेंटिफिकेशन इन फार्म नर्सरीज एंड आर्किड्स। प्लांट डिजीज क्या होती हैं, मीन्स प्लांट्स में किस तरीके से डिजीज हो जाती है, नर्सरी जब आप लगाते हैं तो वहाँ पर प्लांट्स में कैसे कैसे जो रोग हैं उसकी डिजीजेज होती हैं, ये ऑलरेडी आपने इसको पढ़ा होगा प्लांट पैथोलॉजी में, तो उस पर आपको एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना होगा। अगला दिया है डिजिटल पोर्टल फॉर प्लांट। डिजिटल पोर्टल का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए, कैंपस सिटी और पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में या सिटी में या किसी कैंपस में, ओके। अगला और नेक्स्ट हो जाएगा रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट एंड दियर कंजर्वेशन एंड डोमेस्टिकेशन। वैसे सबसे बेटर आपका दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर का जो है उस पर बना लेना चाहिए, और इसके बाद है छठवें नंबर पर, सिक्स नंबर जो दिया एंडेंजर्ड प्लांट पर, ठीक है, और कुछ हद तक आपका ये चौथे नंबर का जो दिया है प्लांट डिजीज आइडेंटिफिकेशन, ये भी सही है, बेटर है। इसके लिए आपको प्लांट्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे, उसमें कौन सा रोग है, मोस्टली आपको नर्सरी में जाना पड़ेगा, तभी आप इसको इस पर प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन टॉलरेट इंडेक्स APTI इंक्रीजिंग ऑफ सेंसिटिव टॉलरेंट प्लांट स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया, ये भी वैसे अच्छा टॉपिक है। वैसे सबसे बेटर आपको हमने बता दिया दूसरा और छठवें नंबर का है। नेक्स्ट साइंस कम्युनिकेशन बाय क्रिएटिंग साइंस डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ इनोवेटर्स इंटरनेट वेबसाइट्स ब्लॉग्स यूट्यूब पॉडकास्ट, ये सब क्या होते हैं, ये आपका एक प्रोजेक्ट इस पर बन जाएगा। वैसे ये कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक से अच्छा रहेगा ये भी। साइंस आउटसर्च आउटरीच टॉक एंड पब्लिक सेंसिटिटाइजेशन फॉर प्लांट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये भी ठीक ठाक है, उतना अच्छा बेटर नहीं कह सकते इसको। फाइटो केमिस्ट्री बेस्ट टॉपिक है, इसे तीसरा ये सबसे बेस्ट है फाइटो केमिस्ट्री, ओके। दूसरे और छठवें नंबर के बाद सबसे बेस्ट है फाइटो केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट एंड दियर एंटी माइक्रोबियल न्यूट्रासिटिकल एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स, ये हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि ये जो टॉपिक यहाँ पर दिया गया है ये PSC फिफ्थ सेमेस्टर का है, ठीक है। अगला हो जाएगा स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इन डिफरेंट फ्लावर में पोलन ग्रेन के बारे में स्टडी करना है, ये भी अच्छा है, ये प्रोजेक्ट है बहुत बेहतरीन तरीके से। जितने भी फैमिलीज हों सभी फैमिलीज के कुछ प्लांट्स की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, फील्ड में जा कर के आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद उसमें जो पोलन ग्रेन्स पाए जा रहे हैं उस पर आपको एक प्रैक्टिकल करके आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना होगा। स्टडी ऑफ स्टोमेटा इन डिफरेंट प्लांट, स्टोमेटा के बारे में स्टडी करना है डिफरेंट प्लांट में, कितनी मात्रा में है, किस में है, कितने हैं, इस पर आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना है। और लास्ट है स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्रेटरी एंड स्पेशल टिश्यूज इन प्लांट, सिक्रेटरी और स्पेशल टिश्यूज के बारे में स्टडी करना होगा जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पर हमने आपको बता दिया है, दूसरा छठवें नंबर पे, दसवां और लास्ट के तीनों बेटर हैं 11, 12 और 13, कुल मिलाकर 10 से 13 तक ये चार टॉपिक है, और दूसरा सिक्स नंबर पे जो है ये बेस्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो तुरंत फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिएगा। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, ये दो प्रकार की फाइल आप बना सकते हैं प्रोजेक्ट फाइल में, दो ही टाइप के आप यूज करेंगे, सादे पेज की पूरा हार्ड पेज होना चाहिए ये जो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है, और दूसरा ये फाइल, दो में से कोई भी एक फाइल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। प्रोजेक्ट ऐसे ही बनता है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देना था, अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।